बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज़। मैं आपका अनदाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आज की अहम खबरें आपके सामने रख दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त वज़ीर आला KPK हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान सरहद पर हालात कशीदा हो सकते हैं। और फिर जनाब, नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जा रहे हैं, साइफर केस पर इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और जनाब, इमरान रियाज खान साहब का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, क्या वो सियासी लीडर बनने जा रहे हैं? इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हसब ममूल एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपकी इंशाल्लाह नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब कि अली अमीन गंडापुर साहब के आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान KPK के इलेक्टेड वज़ीर आला हैं, इस वक्त वो वज़ीर आला हैं, और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और आल्दो ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिटिंग वज़ीर आला को आप जाके गिरफ्तार कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही ऐसी कोई प्रेसिडेंट है पहले। वज़ीर आज़म होते रहे हैं, वज़ीर आज़म को जो है गिरफ्तार किया जाता रहा है, बल्कि थप्पड़ मारकर सीटों से उतारा जाता रहा है। ये इस मुल्क की तारीख है और सिया बाब है इस मुल्क का, और यही वो वाक़यात हैं, यही वो तारीख के वो गलतियाँ हैं, अब वही झोल है तारीख के, पाकिस्तान की तारीख के, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से भी नीचे जा चुका है, इवन अफगानिस्तान से भी हमारी करेंसी डाउन है। सो ये चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक ताकतवर वज़ीर आला है, 2/3 मेजोरिटी के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन एक सिम्बॉलिक इस वारंट गिरफ्तारी की बड़ी अहमियत है, और इनके साथ साथ मुराद सईद साहब और जो शिबली फराज साहब हैं और कुछ नामी ग्रामी सियासतदान हैं, फैसल जावेद हैं, इन सब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन क्या ये इनके वारंट गिरफ्तारी की तमील हो सकती है? बज़ाहिर पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। और लेकिन एक चीज़ है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको बुलाया हुआ है, उनको टाइम दिया है, उनको नोटिस किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पेशी भी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नहल करना चाह रहा है, और वजह है जनाब उनकी असासे छुपाने की, उन्होंने असासे छुपाए हैं। और इस केस में अगर उनको नायल कर दिया जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर उसके बाद इन वारंट्स की तमील का पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करके एक बड़ा मैसेज दिया गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। बढ़ते हैं जनाब अगली खबर की जानिब कि अफगानिस्तान सरहद पर इस वक्त हालात कशीदा हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक्या पेश आया, हमारी चेक पोस्ट पर हमला हुआ, और हमला सरहद पार से अवैध दहशतगर्दों ने किया था, या एटलीस्ट उन्होंने सरजमीन अफगानिस्तान प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की थी, और वहाँ से आए दहशतगर्दों ने हमारी चेक पोस्ट पर हमला किया, और हमारे कीमती 7 जानें ज़ाया हुई, और शहदा को अल्लाह ताला अपनी जवाहर जगह ताफर, उनके लाइकिन को सब्र जमील ताफरमाए, एक बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए। और इस पर रिएक्ट किया पाकिस्तान की अफवाज ने, और अफगानिस्तान के अंदर घुस कर दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, और अपनी जो शहादतें थी उनका बदला लिया, और बड़े बड़े दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। बहुत बड़ी खबर थी ये भी कि इन साइड अफगानिस्तान पाकिस्तानी फोर्सेज ने जाकर कार्रवाई की। जनाब, उसके बाद अब रिएक्शन जो है वो आ रहा है अफगानिस्तान की जानब से, और बारहा अफगानिस्तान को ये कहा गया कि TTP जो है वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके इनसाइड पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करने में मुलव्वस है, आप उसके ऊपर तवज्जो दें। लेकिन बहरहाल उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और पाकिस्तानी फौज ने जब उस पर अपना रद्द अमल दिया, तो उसके बाद अब अफगानिस्तान के अंदर से भी बयान आना शुरू हो गए हैं, और अब कुछ यूट्यूबर्स भी इस बात का दावा कर रहे हैं, और कुछ मीडिया चैनल्स भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की सरहद के साथ जितने भी अफगानिस्तान की अफवाज या तालिबान की डिप्लॉयमेंट थी, उसको वहाँ से कम करके उनको मूव किया जा रहा है टूवर्ड्स पाकिस्तान की जो सरहद है, पाकिस्तान के साथ सरहद पर अपने ट्रूप्स को वो मोबिलाइज कर रहे हैं और वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, और चीज़ें मुस्तकबिल करीब में काफ़ी यहाँ पर हंगामा खेजी होती हुई नज़र आ रही है। और जनाबे वाला एक चीज़ याद रखिएगा कि अफगानिस्तान को बैक करने वाला इंडिया काफ़ी कोशिश करेगा कि ये मामला एस्केलेट हो, मामला एस्केलेट एस्केलेशन की तरफ जाए,
इसमें अमेरिका भी हो सकता है, इसमें इसराइल भी हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने भी दुश्मनान हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान जो कि हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात रहे हैं और हमने अफगानिस्तान के साथ बड़ा कोशिश की है कि उनको साथ लेकर चलें। जब सोवियत यूनियन ने उन पर हमला किया, फिर बाद में अमेरिका ने हमला किया, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनके रेफ्यूजीज जो आए थे, उनके जो मुहाजर आए थे, उनको हमने अभी तक रखा हुआ अपने पास और उनकी बड़ी केयर की है, उनको अपना भाई समझकर उनको पाला है। लेकिन अफगानिस्तान इस बात को नहीं समझता। सो ऐसे में अगर ये मामला मजीद एस्केलेशन की तरफ जाता है तो आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में मामला काफ़ी हंगामा खेज हो सकते हैं। दूसरी जानब जनाब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन यात्रा पर वापस जा रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान में आए थे, बाहर से बड़ी धूम धड़ल्ले से आए थे और ये सोच लेकर आए थे, ये उम्मीद लेकर आए थे कि पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, उस पाकिस्तान के जिस पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से आज तक कभी भी नाजुक मोड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिस पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी सिविलियन वज़ीर आज़म को 20 वज़ीर आज़म आए अपने टेन्योर पूरा नहीं कर सके, उसी मुमलकते खुदा दादे पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मुश्किल से अपनी बड़ी तकरीर करके, बड़ा मेहनत करके, बड़ा जोश और वलवले से आने वाला शख्स बिलाखर अपनी पार्टी को सिर्फ 17 से 18 सीटें जितवा कर अपनी मेहनत से अपने जो उनका भाई वतन मुझे कहना चाहिए ये गलत नहीं होगा, वो वापस जा रहे हैं। पहला उनका प्लान है सऊदी अरेबिया जाने का, वहाँ जाकर वो उम्रा अदा करेंगे और उम्रे की अदायगी के बाद वो वापस अपने देश यानी कि लंदन सुधार जाएंगे। और उनके चूंकि बेटे भी यहाँ से क्लीन हो गए हैं, आज उनको भी बरी कर दिया गया है, तो अब इधर वाले मामलात वो क्लियर करके वापस अपने देश में जाके सुकून से रहना चाह रहे हैं। और ये उन पाकिस्तानियों के लिए, खासकर जो नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स हैं, और मुझे ज़ाती तौर पर दुख है कि एक ऐसा शख्स जो कि कुछ कुछ समटाइम्स वो स्टैंड लेता था और कहता था कि यार ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये सिविलियंस को मुल्क चलाना चाहिए और ये चीज़ें वो ठीक कहते थे, वो उनका उनके इस मामले के ऊपर मैं उनकी हिमायत करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर दुख है कि इमरान जो नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासत आलमोस्ट ख़त्म कर दी गई है, और नवाज शरीफ साहब अगर चौथे ज़्यादा पाकिस्तान के बन जाते तो शायद जो मौजूदा ये जो हालात हैं, ये जो एक बानमती का कुंभा यूँ कहना चाहिए कि बरसर इक्तदार आ गया है, तो ये शायद इस तरह ना होता। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस है जनाब, हम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं और दुख भरी एक दास्तान है हमारे लिए भी और उनके सपोर्टरान के लिए भी। साइफर केस जनाब, उसकी आज फिर हियरिंग हुई है और उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। जजेस के जो इब्तदाई रिमार्क्स हैं, जजेस जिस तरह इस केस को तफसील से सुन रहे हैं, जिस तरह इस केस में से नुकात वो उठा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ ये केस जो है अपनी मौत आप मर जाएगा और इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। आज सलमान सफदर साहब ने भरपूर तरीके से जो है खान साहब की नुमाइंदगी की और भरपूर तरीके से दलाइल दिए और छोटी छोटी चीज़ें निकालकर जजेस के सामने रखी कि ये झोल इस केस की हेयरिंग के दौरान मारे गए हैं जज साहब की जानिब से और किस तरह जो हक दिफा इसको ख़त्म किया गया, और ये सारी चीज़ें जब जजेस के सामने आई तो आज एक मौके के ऊपर जज ने कहा कि ये क्या जोक था, ये क्या जोक था, ये क्या मजाक था कि एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह का भोंडा मुकदमा बनाया गया। सो जनाब ऐसा लग रहा है कि ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब को वैसे भी आज दो दहशतगर्दी के जो मुकदमात थे, जो 9 मई के वाकयात थे और जो जलाओ गिराओ वाली जो उनके दो केसेस थे इस्लामाबाद में, उनमें से उनको आज बरी कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जनाब आखिर में बढ़ते हैं इमरान रियाज खान, जो कि बड़ा इन दोनों तनाज़ात का शिकार हैं, कभी उनको उठा लेती है जनाब FIA, कभी उनको एंटी करप्शन वाले उठा लेते हैं, और बेचारे जो हैं बीच में 5-6 महीने गायब ही रहे हैं, तो इन दोनों बड़े वो खबरों में हैं और उनको खबरों में होना भी चाहिए। वो बड़े कामयाब इंसान हैं, बड़े कामयाब वो एंकर पर्सन हैं, बड़े कामयाब वो यूट्यूबर हैं और बहुत ज़बरदस्त वो शिकारी भी हैं, तो ऐसे शख्स को खबरों में होना चाहिए, उसका राइट है। लेकिन जनाब इस वक्त वो इन तमाम जो तारीफ़ें मैं कर रहा हूँ उनकी इन वजह से खबरों में नहीं है। इस वक्त वो खबरों में है कि क्या इमरान रियाज खान को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो माजी में ये जो उनके मैंने 3 वाक़यात आपको बताए कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, पहले 6 महीने में वो गायब रहे, फिर उसके बाद उससे पहले एक दफ़ा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर वो 6-7 महीने गायब रहे और फिर उनको तकरीबन 15-20 दिन पहले एंटी करप्शन वाले उठाकर ले गए, काफ़ी दिनों 15-20 दिन के बाद जमानत हुई। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है
कि इमरान रियाज खान आने वाले दिनों में एक्टिव पॉलिटिशियन आपको नजर आएंगे, और इस तरह का शख्स पाकिस्तान की सियासत में उसका आना नेक शगुन होगा, क्योंकि अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं और टिकाकर बोलते हैं, और ऐसे शख्स की पाकिस्तान की सियासत में बेपनाह ज़रूरत है। अब किस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं, किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो वक्त बताएगा, लेकिन वो किसी भी जमात से हैं, वो चाहे वो PMLN के प्लेटफॉर्म से हैं, वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हैं, हम उनको वेलकम करेंगे और उनका जो है उनको भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे कि आप पाकिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लें, ये आपका हक भी है और आपकी ज़रूरत भी है, आप जैसे सच्चे इंसान की पाकिस्तानियों को ज़रूरत भी है। जनाबे वाला तमाम सियासी जमातें, चाहे वो PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तमाम के तमाम लोग मुहिब वतन हैं। वी हैव नो राइट कि हम किसी को डिक्लेयर कर दें कि फलां जो है वो मुहिब वतन नहीं है, वो जो गद्दार वतन है। हमारे पास कोई इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दे सकें। हमारे लिए तमाम जो लीडरान हैं वो अहम हैं, तमाम लीडरान हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। देखें होता क्या है कि मंजिल सबकी एक है, पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मंजिल सबकी एक है। कुछ उस मंजिल को हासिल करने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कुछ जो है प्रॉपर सारे मामलात का सदेबाप करके, तमाम जो मसाइल उनको सदेबाप करके मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। बस डिफरेंस यही है, मंजिल सब की है कि पाकिस्तान से सारे मोहब्बत करते हैं, तमाम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। बस रिक्वेस्ट यही है तमाम से कि मिलकर इस मुल्क के लिए एक दफ़ा बैठें, मिल बैठकर एक पॉलिसी बनाएं कि पाकिस्तान को आपने लेकर आगे कैसे चलना है। और चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान में पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सियासतदान ही बना सकते हैं। सियासतदान जिस दिन ये फैसला करेंगे कि हमने इस मुल्क को ऐसे लेकर चलना है, हमने अपने जो इख्तलाफात हैं, पर्सनल इख्तलाफात हैं, आपस में जो हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, उनको हमने मिल बैठकर टेबल टॉक के जरिए सॉल्व करना है, तो उस दिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ताकत दुनिया की इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोक सकती है और पाकिस्तान तरक्की ना करे, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा मिलकर बैठने की ज़रूरत है और एक ऐसा मुआहदा करने की ज़रूरत है कि उस मुआहदे के बाद अपने तमाम जो उनके ज़ाती जो उनके इख्तलाफात हैं या ज़ाती जो नोयत के मामलात हैं, उनको अपने मुल्क के जो मामलात हैं उनमें बिल्कुल भी उनका दखल नहीं होना चाहिए। उनको कहीं भी ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ज़ाती इख्तलाफात की वजह से मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़ जिस दिन हमारे सियासतदान समझ गए या इसके ऊपर उन्होंने कोई लायमल तैयार कर लिया, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की ज़रूर करेगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।